बिल्कुल, मुझे भी सूत्रों से ही पता चला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो मैंने कंप्लेंट की थी बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ, जो एक वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी साथ में जिसमें वो नशा करते दिखाई दे रहे हैं करण जौहर की पार्टी में, उसको इन्वेस्टिगेट करने जा रही है, उस पार्टी को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आज मिलन द्योरा को, जो मुझे कह रहे थे कि मुझे माफी मांगनी चाहिए नहीं तो जेल जाना होगा, विक्की कौशल को, करण जौहर को, जो कहते थे कि हमें सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें जवाब भी देने होंगे, देश को जवाब देने होंगे और जेल भी जाना होगा, क्योंकि आज तक जो तुम अपना मुखौटा पहनकर और देश के लोगों, दुनिया के लोगों के सामने खुद सेंट बने हुए हो, खुद नशे करते हो और लोगों को नशेड़ी बताते हो और फिर लोगों को डराते हो, धमकाते हो कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा नहीं तो हमसे माफी मांगो, तुम्हारा अंत समय आ गया। आज तुम्हें देश को यह भी बताना होगा कि तुम्हारे साथ और कौन कौन ड्रग्स करते हैं, ये ड्रग्स तुम कहां से लेके आते हो। और मिलन देवरा जी, अब आप चुप मत रहिए, आप भी बोलिए, आज अपनी चुप्पी तोड़िए और अपना वो ट्वीट भी याद करिए जो आपने मुझे कहा था माफी मांगने के लिए। और मैं करण जौहर को, विक्की कौशल को भी कहना चाहता हूं, रणबीर कपूर को भी, और जो भी उस पार्टी में थे, आप लोगों को अब सच का सामना करना पड़ेगा और सच का सामना करते करते तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा इस नशे के कारोबार में और खुद नशेड़ी होकर लोगों को नशेड़ी बताने में।